पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ जहां बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ के सचिवालय परिसर में हुए बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। इस विस्फोट में 3 भारतीय कमांडो सहित 17 अन्य लोगों की जान चली गई थी। इतने बड़े कांड के बाद आज फिर एक बार पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में सुरक्षा को लेकर चूक देखने को मिली, क्योंकि पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में आज सुबह वरिष्ठ अधिकारियों की पार्किंग में एक अज्ञात कार खड़ी मिली, जिससे हंगामा मच गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कार आज सुबह से ही यहां पर खड़ी थी, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों की इस पर कोई नजर नहीं पड़ी। पंजाब सिविल सचिवालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी CISF के पास है, क्योंकि इसमें पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के अलावा मंत्री और यहां वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं, जिसके कारण ये हाई सिक्योरिटी जोन है। लेकिन केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी CISF से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, एक बड़ा सवाल है। पंजाब, मध्य और चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा की खुफिया एजेंसियों की भी इस बिल्डिंग पर पैनी नजर रहती है, फिर ऐसे में ये प्राइवेट गाड़ी आई कहां से, पता नहीं लग पाया। आश्चर्य की बात ये भी है कि जिस निजी कार पर पास का स्टिकर तक नहीं है, वे कार सिविल सेक्रेटरिएट के अंदर कैसे घुस गई। फिलहाल CISF के अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच की जा रही है और इसकी CCTV तस्वीरें भी खंगाली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।